अच्छा। राजा रहता था। अच्छा। राजा जो है कहीं चला गया था, हिंदू धर्म में कि पहले तेरह ही की जाए, बरसी की जाए। हाँ, हाँ। बरसी के दौरान जब यहाँ के लोग कर रहे थे तो लौटे थे। बरसी का मतलब जो पिंडदान होता है। हाँ जी। अच्छा, जैसे लोग गया जाते। काफी बड़ा मंदिर रहा होगा उस समय में, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक सारे पत्थर पड़े हुए हैं और शायद इन पत्थरों को इस तालाब में डालने की कोशिश की गई होगी उस समय में। तो आपका स्वागत हमारे इस नए वीडियो में। महोबा और छतरपुर को कवर करने के बाद हम लोग जा रहे थे वापस, तो हमें एक हाईवे पे गांव मिला जो कि रेवाई था। वहां पे एक बोर्ड लगा था जैन मंदिर के लिए, वहां से सुकौरा के लिए, और इस जैन मंदिर की दूरी वहां पे 4 किलोमीटर थी। तो हम लोग सुकौरा क्रॉस करके, एक रेलवे स्टेशन है जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नाका है, इसको जैसे आप क्रॉस करोगे तो इसके बाद आपको ये मंदिर मिल जाएगा। ये देखिए जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ये बोर्ड लगा हुआ है, जैन मंदिर सुकौरा, और इसकी दूरी 500 मीटर। तो ये कच्चा रास्ता गया है पगडंडी और वहाँ पे मंदिर के लिए। तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं और वो कौन से देवता हैं वहीं पे जाकर हमें पता चलेगा। फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं इस जैन मंदिर पे। जैन मंदिर एवं हिंदू मंदिर, यह दो मंदिरों का एक परिसर है जिसमें एक बड़ा जैन मंदिर एवं ब्रह्मनिकल मंदिर आमने सामने स्थित हैं। दोनों मंदिर बरसी तालाब के किनारे पर हैं। ये जो आपको तालाब दिख रहा है ये बरसी तालाब है, और ये ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ महानिकल मंदिर एक चबूतरे पर अवस्थित है। ये महानिकल मंदिर है, ये वाला हिंदू मंदिर है और ये सामने ये पीछे वाला जैन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं सदी में हुआ था। अब मैं आप लोगों को दोनों मंदिर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जैन मंदिर दिखाने वाला हूँ। तो ये मंदिर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे पुरातत्व विभाग द्वारा शायद ये बाउंड्री नई अभी बनी है, लेकिन इस मंदिर को आप लोग देख सकते हो। ये देखो किस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। ये देखो ये किस तरीके से यहाँ पे नक्काशी की गई है, और ये काफी ज्यादा पुराना है, और ये जो शिलाएं रखी काफी ज्यादा बड़ी हैं, भारी भारी पत्थर पड़े हुए हैं। शायद जब इसका निर्माण हुआ होगा तब इन पत्थरों की कटाई की गई होगी और उसको बनाया गया होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दादा थे, उनसे मैंने पूछा ये कौन सा मंदिर, तो बता रहे थे आप लोग बाँच लो। बाँच लो का मतलब होता है पढ़ लो जो भी बोर्ड में लिखा हुआ है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे मैं अभी खजुराहो में आपको वीडियो दिखाया हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो इसका मंडप है, इसका गर्भगृह है, सेम है। जब हम लोग यहाँ पे प्रवेश करते हैं, जबकि काफी ज्यादा ओपन है, दोनों तरफ खिड़कियां हैं जो कि लटकी हुई बनी हुई हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं तो काफी ज्यादा इको होता है। ये देखो किस तरीके से ये पिलर्स हैं, इनमें भी नक्काशी की गई है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना, आप लोगों को इस जैन मंदिर के मैं दर्शन करा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, हम लोग अंदर जाने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये देखो तो यहाँ पे कोई मूर्ति अभी स्थापित नहीं के गर्भगृह में, लेकिन यहाँ पे जरूर कोई बैठ करके साधना करता रहा होगा। और कौन से तीर्थांकर थे ये मुझे नहीं मालूम है। अब ये झरोखा दिख रहा है, इधर से आपको ये दिख रहा है रेलवे लाइन, और इस साइड से इस झरोखे से इस तालाब का दृश्य दिख रहा है। मंदिर को कवर कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं हिंदू वाले मंदिर में। अभी मेरे पीछे ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये तालाब के जस्ट ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पे आपको मेरे सामने ये तालाब, काफी बड़ा तालाब आपको दिख रहा होगा, और ये सामने ब्रह्मनिकल मंदिर है। यहाँ पे गांव के कुछ लोग थे जो कि सुकौरा गांव के हैं, दादाजी। तो दादाजी अपना जो शुभ नाम हो अपना बता दो, जो भी देवी दिन। आप सुकौरा के रहने वाले हो? हाँ, सुकौरा के तर्जब। अच्छा, तो आप अभी बता रहे थे जब कैमरा बंद था कि ये जो मंदिर बना हुआ है इसको अभी 10 साल पहले इसको दोबारा से बनाया गया है। अच्छा, सब बनो है, कौन बनो रहा पहले? अच्छा, ये नए से पूरा चौथा बना हुआ। अच्छा, पूरा बनाया गया। हाँ। ये पत्थर जहाँ पे पड़े थे इसको उठा उठा के रख दिया गया? हाँ, ये रख नहीं गया। अच्छा, ये जान लिया सिर्फ इनके बार के सीढ़िया लागी रहा। हाँ, सीढ़िया इनके पत्थर ही लागे। अच्छा, हाँ, यहाँ से सीढ़िया बनी रही थी, पूरी सीढ़िया वहाँ तक बनी थी, उन्हीं को उठाकर चबूतरे में रख दिया गया। हाँ। अच्छा, आपके बचपन में पहले तालाब काफी बड़ा रहा होगा? हाँ, पानी 500 बीघा का तालाब है। 500 बीघे का तालाब है। हाँ। तो यहाँ पे लोग पानी भी पीते रहेंगे उस समय में? हमारा पीते रहा था मरवा का। मरवा मीन्स तालाब होता है, जो गड्ढा होते हैं। हाँ। उनका ये पानी बचपन में पीते थे। हाँ, पीते रहे हैं। अच्छा, तो आपके बचपन से ये पहले मंदिर यहाँ पे नहीं था? ये वाला मंदिर बने रहे हम जब से सोचता हमारी। अच्छा, इतने बच्चन सा ही रहा था, हम देखा 80 साल के हो गए। अच्छा, इनकी उम्र 80 साल। आप लोग ये समझ सकते हैं जो भी ये बुंदेलखंड के लोग होते हैं उनकी उम्र काफी ज्यादा होती है और काफी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इनकी उम्र, आज बकरी चराने आए थे। हाँ।
अच्छा। तो सारे गांव के लोग यहाँ पे आते होंगे। हाँ, पूरे। अच्छा, आपने कभी इन मंदिरों पे कोई मूर्ति वगैरह देखी जो अंदर? हम झूठी नहीं बता सकते हैं। अच्छा। फोटो नहीं मिली यहाँ। अच्छा, फोटो मूर्ति कोई नहीं थी यहाँ? हाँ, पर हाँ, ऐसे मतलब ये बहुत पहले चोरी हो गई होगी। हाँ, शायद, या मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहले के मुस्लिम शासक रहे होंगे, जैसे औरंगजेब है, नाम सुना है आपने? अंग्रेज रहे हैं, अंग्रेज। वो मतलब उनसे पहले मुस्लिम शासक थे, उन्होंने शायद वो जो हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे जैन बौद्ध के, उनको तोड़ दिया करते थे। हाँ, तो शायद उन्होंने ही इस मंदिर को तोड़ा रहा होगा और ये मूर्ति उर्ति चोरी हो गई होगी शायद। ऐसा ही होगा ना। हाँ। तो पीछे वाला मंदिर जैन वाला है, उसको भी नए सिरे से बनाया गया? दोनों बनेंगे, दोनों नए सिरे से बने। इलाहाबाद से आए थे मिस्त्री। अच्छा, इलाहाबाद से बता रहे हैं, जो मिस्त्री थे इनको बनाने के लिए आए थे। अब से लगभग 10-15 साल हो गए इसको। 10-15 वर्ष बीत चुके हैं। ये देखो किस तरीके से बना हुआ है, और इसमें शायद काफी ज्यादा तोड़ फोड़ मची थी, चूंकि यहाँ पे हमें कुछ खंडित जो पत्थर पड़े हुए हैं उनमें कुछ नक्काशियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे कि वो सामने एक पत्थर पड़ा, आपको मैं पास से जाके भी दिखा दूंगा। यहाँ पे गर्भगृह है और यहाँ पे जरूर कोई शिवलिंग या अष्टधात की कोई मूर्त रही होगी। और ये देखो किस तरीके से इसका गर्भगृह है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस पत्थर के पास जो पत्थर पे नक्काशी है, शायद वो कभी इसी मंदिर का हिस्सा रहा होगा। ये सारे पत्थरों पे नक्काशी है और ये काफ़ी बड़ा मंदिर रहा होगा उस समय में, जैसे कि खजुराहो के मंदिर है उस तरीके, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक सारे पत्थर पड़े हुए हैं। और शायद इन पत्थरों को इस तालाब में डालने की कोशिश की गई होगी उस समय में, ताकि इन पत्थरों के विषय में किसी को मालूम ना चल सके। जैसे मैंने देखा था कि जो खजुराहो के मंदिर में है, जो गोल गोल आकृति कटे हुए जैसे मैंने आपको दिखाया, उसी तरीके से मुझे यहाँ पे एक नक्काशी मिली है। अब आप लोग देखो इसका आप लोग क्या समझते हो? ये देखो, ये चारों तरफ इसी तरीके से थे और इसको तोड़ा गया है। ये देखो, ये जो नक्काशियाँ हैं किस तरीके से थी, हर एक पत्थर पे कुछ ना कुछ नक्काशी है। ये सारे पत्थर वहाँ तक आपको दिख रहे होंगे, ये सारे ग्रेनाइट पत्थर हैं। अभी हमें यहाँ पे गांव के आसपास के कोई और लोग मिले हैं, तो शुभ नाम बता दीजिए। राजेश। राजेश, आप कहाँ के रहने वाले हो? खेर साहिबा। खेर साहिबा, ये कहाँ पे पड़ता है? ये कबरई के पास, कबरई बंदी के भीतर। अच्छा, आप यहाँ पे कैसे आए हो? यहाँ पर हमने जमीन खरीदी है। अच्छा, जमीन खरीद कर यहाँ पे खेती करते हो आप लोग? खेती करते। जमीन लगभग हमने खरीदी है, देखो यार। तो दोस्तों, हम लोग अभी वीडियो शूट कर रहे थे, जैसे आपने देखा होगा बीच से आवाज़ कट गई होगी, तो यहाँ पे जो बकरियाँ हैं इन्होंने हमारे इस माइक को काट दिया। चलो कोई बात नहीं, तो हमारे पास एक और माइक, हम उसको यूज करने वाले। तो यहाँ पे आप लोग खेती के लिए जमीन रखी है? थोड़ा हाँ, तेज आप बोल रहे, चूँकि ये माइक कम आवाज़ कैच करता है। खेती के लिए हमने रखी है। अच्छा, तो यहाँ के बारे में आप कुछ मालूम है जो मंदिर बने हुए हैं? आप कितने वर्ष से यहाँ पे रह रहे हो? हम अभी आते जाते रहते हैं भाई साहब। अच्छा, हाँ, हमें इससे 10 साल से देख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप जब पहले आते थे 8-10 साल पहले, तो यहाँ पे ये मंदिर बने थे? बने थे, लेकिन कुछ ये गिर चुके थे। अच्छा, खंडित थे मतलब? हाँ, खंडित थे। अच्छा। तो ये पुनः रिपेयरिंग जब ये तालाब वालाब की खुदाई हुई। अच्छा, तालाब दोबारा खुदा गया जो? हाँ, हुआ दिख रहा है थोड़ा सा। अच्छा, तो ये मुलायम सिंह की सरकार, वो अखिलेश की सरकार में ये पुनः काम खुदाई का निकलवाया गया था। अच्छा, तब उसी दौरान ये मंदिर भी दोबारा पुरातत्व विभाग के जब अधीन आ गया होगा, तो इसको जो खंडित मूर्ति है, ये पत्थर हाँ, पड़े थे, तो इनको हाँ, नक्काशी को देख देख कर ये पुरातत्व हाँ, इसको नया रिनोवेशन दिया है। हाँ, जो यहाँ पे पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है उसमें 800-900 वर्ष दिखा रहा है। जी, तो ये मतलब काफी पुराना है। हाँ, तो यहाँ पे कोई मूर्ति तो है नहीं, इसका मतलब कोई चोरी हो गई होगी या मुस्लिम नहीं है? ये इतिहास इसका बताया जाता है कि कोई राजा था। अच्छा, अच्छा, राजा रहता था। अच्छा, हाँ, अच्छा, यहाँ पे हाँ, तो ये राजा जो है कहीं चला गया था। अच्छा, हाँ, तो उसके जो बताने के अनुसार, तो जो कहते हैं हिंदू धर्म में कि पहले तिरही की जाए, बरसी की जाए, बरसी के दौरान जब यहाँ के लोग कर रहे थे तो लौटे थे। अच्छा, बरसी का मतलब क्या होता है? तब उसी से ये मतलब उसका ये तालाब का नाम बरसी पड़ा है। अच्छा, बरसी का मतलब जो पिंडदान होता है? हाँ जी। अच्छा, जैसे लोग गया जाते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो उसी के पहले हिंदू धर्म के अनुसार पहले दिन किया जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, 7 दिन का या 9 दिन का। हाँ, फिर दूसरा कार्यक्रम किया जाता है कि भैया चलो त्यारा ब्राह्मणों को भोजन कराओ। हाँ, 13वीं संस्कार होता है। हाँ, 13वीं तो साल 2 साल के बाद फिर बरसी भी की जाती है। अच्छा, हिंदू में? हिंदू धर्म में। हाँ, वही चीज है कि यहाँ पे लोग बरसी करने के लिए जो मंदिर था, हाँ, और ये जो तालाब था यहाँ पे करने के लिए आते थे, तो काफी बड़ा ताल 500 बीघा का, यानी एक झील के तरीके था,
तो लोग यहाँ पे पिंड दान वगैरह करते जैसे लोग गया जाते हैं उसी तरीके से, तो उसी वजह से जो झील है इसका नाम बरसी पड़ गया। तो ये बात में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई मुझे समझ में आ रही है, और यहाँ पे पुरातत्व विभाग ने तो पूरा डिटेल में नहीं लिख रखा है, लेकिन ये बात सत्य हो सकती है। जो भी है, जो भी मैंने बताया था आपसे, जो कि बात ऐसी है, अच्छा सच बात है ये। हाँ तो दादाजी आप बोल दीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों के पास ये इतिहास और इस जगह के बारे में लोगों को पता चल सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पहुँचाएँ इस वीडियो को, ताकि लोग यहाँ के बारे में भी पहुँच जानकारी। अभी यहाँ पे कोई लोग आते नहीं है देखने के लिए, कोई नहीं, कोई भी यहाँ पे, अभी हम ये पहली बार ही आए हैं यहाँ पे, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो नहीं देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप सुकौरा क्रॉस करोगे तो यहाँ पे एक रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन से पहले एक रास्ता सीधा चला गया, वो कहाँ के लिए गया सुकौरा से? वो गया है अरे उसके लिए कौन सा गाँव? अरे गाँव वो आगे कौन पड़ता है? अरे नहीं यार, सीधे नाम ले ये रेवारा, रेवारा के लिए रास्ता गया है। जैसे आप सुकौरा क्रॉस करोगे, जगह जगह हाँ बोर्ड लगे हैं, लेकिन आपको एक जगह कन्फ्यूजन जरूर होगा। जैसे आप सुकौरा क्रॉस करोगे तो एरो सीधा लगी है बोर्ड पे, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का बोर्ड है, तो उससे पहले एक आपको दाहिने रास्ता आया है जो रेलवे लाइन के लिए आया है, और उसी से क्रॉस करना पड़ता, तो उस जगह आप कन्फ्यूज मत होना, उस जगह किसी से पूछ लेना, वहाँ से आपको दाहिना रास्ता जो भी पहला मिले वहाँ से आप लोग मुड़ करके सीधे रेलवे लाइन क्रॉस करोगे, फिर आपको आगे एक बोर्ड मिलेगा, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ये मंदिर है। तो चलो, आपको मैंने पूरी लोकेशन भी यहाँ पे इस वीडियो पे बता दिया है, तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।